दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ कमाल सैफी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अवाम तक। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो है मुसलमान और मुसलमानों की क़यादत। आज की खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी बन जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, इसलिए कि आज मुझे मुसलमान और मुसलमानों की क़यादत के हवाले से बात करनी है। सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा कि समाजवादी और आज़म खान को लेकर के बहुत ज़्यादा बावेला खड़ा किया जा रहा है। तरह तरह की खबरें आपके कानों से टकराती हुई नजर आ रही होंगी। कब से? जब से कि समाजवादी के कद्दावर नेता आजम खान के एक कार्यकर्ता की तरफ से वो बयान जारी किया गया कि समाजवादी के ऑनर अखिलेश यादव ने जो है मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, और इसलिए उत्तर प्रदेश के मुसलमान जो है अखिलेश यादव से खफा होते हुए नजर आ रहे हैं। और हाल ही में एक खबर आपने और देखी होगी सोशल मीडिया के माध्यम से, अखिलेश यादव के चचा शिवपाल यादव भी अपने भतीजे अखिलेश यादव से नाराज हैं। लेकिन दोस्तों, यह खबर सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल की जा रही थी कि अखिलेश यादव के चचा शिवपाल यादव बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं। नई अपडेट मैं आपको बताऊं, अखिलेश यादव के चचा शिवपाल यादव बीजेपी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। साफ उन्होंने इनकार कर दिया है कि मैं बीजेपी को ज्वाइन नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपना एक नया संगठन तैयार करूंगा। ऐसा अखिलेश यादव के चचा शिवपाल यादव का कहना है। सूत्रों के मुताबिक एक और खबर मंजरे आम पर आ रही है, वो मैं आपको बताना बेहद जरूरी समझता हूं, इसलिए कि अखिलेश यादव के चचा शिवपाल यादव का कहना है कि मैं जल्द ही आजम खान से मिलने के लिए जेल में जाऊंगा। आजम खान से मिलने के लिए शिवपाल यादव का जेल में जाना कहीं ना कहीं ये इस तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है कि आजम खान से शिवपाल यादव सिर्फ और सिर्फ अपने नए संगठन के हवाले ही से बात करते हुए नजर आएंगे। और बात बिल्कुल साफ है, अगर शिवपाल यादव ने आजम खान से जेल में जाकर के मुलाकात की तो कहीं ना कहीं आजम खान को अपने गठबंधन में शामिल करने के बाद, अपने संगठन के लिए तैयार करने के बाद मुसलमानों का वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब मुसलमान अगर समाजवादी को छोड़ रहे हैं तो मुसलमानों की निगाहों के सामने बहुत सारे विकल्प हैं, और इन विकल्प में कौन सा विकल्प मुसलमानों के लिए बेहतर है, कौन सा रास्ता मुसलमानों के लिए बेहतर है, आज हमें खास करके इसी मुद्दे पर बात करनी है। अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमान समाजवादी को अलविदा कहेंगे, समाजवादी से अगर अपना नाता तोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी निगाहों के सामने सरे फहरिस्त एक ही विकल्प आता हुआ नजर आता है, जिसको कहते हैं मजलिस। जी हाँ, अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने यकजहती तौर पे, मुत्तहिदा तौर पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑनर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना लिया तो कहीं ना कहीं मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में मेयार बनता हुआ नजर आएगा। और अब तक जो सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों का मेयार मजरू होता रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मेयार मजरू होने से बच जाएगा। एक सूरत तो यह है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान अखिलेश यादव को अलविदा कहने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑनर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करें। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी के एक और कद्दावर नेता इकराम कुरैशी, जो कि मुरादाबाद से बिलोंग करते हैं, उनका कहना है अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आजम खान को समाजवादी को अलविदा कहने के बाद कांग्रेस की तरफ आना चाहिए। तो इस वजह से एक और विकल्प की सूरत में कांग्रेस हमारी और आपकी निगाहों के सामने, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को चाहिए कि वो कांग्रेस को ज्वाइन कर लें या फिर BSP को ज्वाइन कर लें, इसलिए कि इन पार्टियों में भी बड़े बड़े मुसलमानों के सियासी चेहरे निगाहों के सामने मौजूद हैं। तो अब मुसलमान या तो कांग्रेस की तरफ जाएगा या BSP की तरफ जाएगा, तो BSP की तरफ जाने के बाद भी मुसलमान को कोई फायदा नहीं होने वाला, कांग्रेस की तरफ जाने के बाद भी मुसलमानों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब चूंकि अगर मजलिस ही को मुसलमानों ने सपोर्ट किया तो कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आएगा। जब हम यह बात करते हैं न्यूज अवाम तक के माध्यम से, तो हो सकता है कि आपके जहन में एक सवाल पैदा हो जाए और आप फौरी तौर पर कह सकते हैं कि हमने अगर मजलिस को सपोर्ट किया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अगर हमने फॉलो किया, तो फिर हम अपने दम पर कहां सरकार बना पाएंगे। जी हां, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप अपने दम पर सरकार नहीं बना सकते, लेकिन हां यह याद रखें कि आपने जिन पार्टियों को आज तक सपोर्ट किया है, उन पार्टियों की बुनियाद पर कहां आप सरकार बना पाए। आपने समाजवादी को सपोर्ट किया तो समाजवादी की कहां सरकार बनी, आपकी वजह से समाजवादी की सरकार नहीं बन पाई, क्योंकि समाजवादी के ऑनर अखिलेश यादव के परिवार के लोगों ने ही समाजवादी को धोखा दे दिया। उसी तरह से आप BSP को सपोर्ट कीजिएगा तो BSP के खानदान वाले BSP को सपोर्ट नहीं करते, कांग्रेस के खानदान वाले कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन कुल मिला के बात जो आती है वही मुद्दे पर आती है कि मुसलमान किसी भी पार्टी में चला जाए तो मुसलमानों की बुनियाद पर सरकार कहां बन पा रही है। अगर मुसलमान मुत्तहिदा तौर पे, यकजहती तौर पे अगर मजलिस को सपोर्ट करता है, तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं कि जिन सीटों में सिर्फ मुसलमान ही जीता करते हैं और मुसलमानों ही की बदौलत उन सीटों पर कामयाबी मिला करती है। तो ऐसी सूरत अगर मुसलमानों ने इख्तियार की कि यकजहती तौर पर मजलिस को सपोर्ट किया और मजलिस को मुत्तहिदा तौर पर वोट करने के बाद अगर ओवैसी साहब को कामयाब किया,
तो कहीं ना कहीं फिर सरकार बनाने के लिए आपकी जरूरत पेश आएगी, आपका मियार मजरू होने से बच जाएगा, आपका वकार बुलंद हो जाएगा। इसलिए कि जब आपकी जरूरत पेश आएगी तो ओवैसी को याद किया जाएगा, दारुसलाम जाया जाएगा। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी भी पार्टी को अगर सपोर्ट करेंगे सरकार बनाने के लिए तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए मुतालबात रखते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये सेकुलरिज्म के नाम पर जो आज तक आपको लूटा गया है, इस तरह से लूटने से आप बच जाएंगे। तो आपकी निगाहों के सामने बीएसपी भी है, आपकी निगाहों के सामने कांग्रेस भी है, आपकी निगाहों के सामने इसके अलावा और भी पार्टियां होंगी, और भी विकल्प होंगे। सरे फहरिस्त जो विकल्प आता है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आता। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए और मुत्तहिदा तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही को सपोर्ट करना चाहिए ताकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मजबूती आपके मुस्तकबिल की मजबूती बन जाए और आपका मियार बुलंद हो जाए। अब मैं न्यूज़ अवाम तक के माध्यम से एक और विकल्प आपकी निगाहों के सामने रखता हूं, मैं बराए मशवरा आपकी निगाहों के सामने रखता हूं। मैं आपसे तंबी नहीं कर रहा हूं कि आपको ऐसा करना चाहिए, इसलिए कि जहां सेकुलरिज्म के नाम पर आपको बर्बाद किया गया है वहीं पर हिंदू और मुस्लिम के दरमियान में जो नफरत की आग फैलाई जाती है तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की तरफ इशारा करते हुए लोग नजर आते हैं। ऐसी सूरत में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को मुत्तहिदा तौर पर बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए कि अगर आपने बीजेपी को सपोर्ट किया तो ये जो नफरत की राजनीति करते हुए नजर आते हैं, जो पार्टियां नफरत की राजनीति करती हुई नजर आती हैं, उन पार्टियों का कहीं ना कहीं खात्मा होता हुआ नजर आएगा। अब आप कहेंगे कि हम क्यों बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, तो आपने अगर बीजेपी को सपोर्ट किया तो याद रखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां मुस्लिम समुदाय के लोग पाए जाते हैं, जाहिर सी बात है कि वहां वहां मुस्लिम नेता ही उतारे जाएंगे और बीजेपी में जब तुम्हारे मुस्लिम नेता पहुंचेंगे तो बीजेपी से भी तुम लोगों को फायदा होता हुआ नजर आएगा। मैंने बस बराए मशवरा इस बात को रखा है, यानी कि आपको ऐसा करना ही है, लेकिन आपकी राय क्या है, आपकी मर्जी क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, अपने तासुरात नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को कौन से विकल्प की तरफ जाना चाहिए, अपनी राय हमें जरूर पहुंचाइएगा। दोस्तों ये थी आज की खबर जो मैंने आपके साथ में पेश की, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।